नमस्कार शुभ संध्या दोस्तों, मैं किन्नौर पेज से राम भगत नेगी आप सभी का किन्नौर पेज में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और बीते 2-3 सालों से हम किन्नौर पेज में सामाजिक गतिविधियां और बागवानी संबंधित, कृषि संबंधित आदि विषयों को लेकर आए हैं। आज हरियाली और खुशहाली एपिसोड में हम बागवानी संबंधित चर्चा रखेंगे। इससे पहले आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ कि हमारा किन्नौर अब तक पेज जो है वो सामाजिक हितों के लिए काम करता है और जनता की बातों को, आवाज जो है जनता की आवाज को उठाता है। हमारा मकसद भी नहीं रहता कि हम किसी के निजी जीवन पर हम टिप्पणियां करें। किन्नौर अब तक पे समाज के जो हमारे संस्कृति, हमारे सब संस्कृति और हमारे प्रकृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य आदि पर जो है आवाज जो है उठाता रहता है, क्योंकि समाज के हितों का काम करता रहता है। बीते 1-2 दिन पहले किन्नौर अब तक पेज ने आपत्तिजनक वीडियो पर जो है टिप्पणी उठाई थी और उस पर हमने जो है सवाल उठाए थे, और इसी संशय पर काफी लोगों की टिप्पणियां भी आई कि जो है इस प्रकार का किन्नौर अब तक पेज करता है कि किसी के निजी जिंदगी के साथ। लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि हम किसी भी के व्यक्ति के निजी जीवन पर हम सवाल नहीं करते, ना ही उनसे। अगर हमारी संस्कृति पर कोई आवाज उठाता है, हमारी संस्कृति पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं या अश्लील टाइप का वीडियो करते हैं, तो हम उसकी जो जांच पड़ताल के लिए आपके समक्ष रखते हैं और आपके द्वारा ही फिर हम जो है आगे गतिविधियां करते हैं। ऐसे ही हमने एक सामाजिक गतिविधियां उठाई है जिसमें शिवाली नेगी का एक वीडियो था जिस पर जो टिप्पणी आई, और उस पर हम ये कहना चाहते कि शिवाली नेगी पर हमने FIR नहीं किया है, खाली पुलिस रपट दर्ज करवाई है उसे तलब करने के लिए कि आखिर किस विषय पर उसने ये बनाया है, क्या मंशा से रही है। क्योंकि FIR हमारा कोई मकसद नहीं है कि किसी की बेटी का और किसी की बेटी के कैरियर बेटी का कैरियर करना। हमने तलब के लिए बुलाया कि उसमें ऑडियो किसका है, किस ऑडियो को लिया गया, क्यों जो है वो नेगी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें हमारी किसी भी प्रकार का मंशा नहीं है। हाँ, इसके इसके अतिरिक्त 9 बजे, आज के 9 बजे अगर कोई भी शिवाली नेगी तक हमारी ये खबर पहुंचाता है, वो हमारे 9 बजे उसको हम लाइव जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर जुड़ते हैं तो हम जानेंगे या शिवाली नेगी ने जो है जो नेगी शब्द लिया है वो जानबूझकर लिया गया, या फिर हमें कोई मैसेज देने के लिए कि इस प्रकार का ऑडियो आया है कि समाज में आप लोग क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है उसकी आवाज भी सही होगी, लेकिन हमने उस वीडियो में जो है नेगी और नेगी के साथ कुछ आपत्तिजनक शब्द दिखे और इसलिए हमने पुलिस थाना में रपट दर्ज किया है FIR ने। तो ये हम आपके समक्ष रख रहे हैं, और भविष्य में अगर कोई भी अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए हमारे किन्नौर की संस्कृति, हमारे किन्नौर के परिधान या अन्य हमारी संस्कृति के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, तो हम जो है जनता के समक्ष उसको लेकर आते हैं, अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि उस वीडियो से मेरे पास दर्जनों जो बाहर पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, जो कॉलेज लेवल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके मैसेज आए। उन्होंने कहा कि इस नेगी शब्द के जो टिप्पणियां आई है, हमें हमें जो है बाहर रास्तों में तंग किया जा रहा है, लोग ट्रोल कर रहे हैं हमें इस प्रकार के शब्द से। तो इसीलिए हमने यह निर्णय लिया था कि हम थाना में जाकर रपट दर्ज करवाए, उसे तलब कर दिया जाए। लेकिन आज उसने एक वीडियो वायरल किया था कि मानहानि का हम जायज है, जायज है, उसका भी हक बनता है कि केस करने का। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपकी आपका कोई भी निजी जो है जो भी बातें हैं अगर कहना है तो किन्नौर पेज में आप लाइव आकर जुड़ सकते हैं, और हमारा मकसद नहीं है किसी भी बच्चों को, किसी भी युवा पीढ़ी को जो है खराब करना। तो चलिए मिलते हैं आज के हरियाली खुशहाली एपिसोड में बागवानी संबंधित चर्चा, और 9 बजे अगर जुड़ते हैं शिवाली नेगी के साथ के कोई समर्थक या शिवाली नेगी, तो हम आपके समक्ष 9 बजे फिर लाइव आएंगे। क्योंकि हम अभी भी आह्वान करते हैं, अगर कोई भी शिवाली नेगी के समर्थक में या फिर शिवाली नेगी खुद स्वयं अगर जुड़ना चाहती है और दर्शकों के बीच आकर आकर कहना चाहती है कि उस वीडियो में कुछ तथ्य था, कुछ मैसेज था जो हम तक पहुंचाना चाह रहे थे तो बनाया है, तो हम जानना चाहेंगे। तो चलिए 9 बजे का इंतजार करते हैं, वो कहाँ तक हमारे संपर्क करते हैं या नहीं करते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं आज के हमारे अतिथि है, हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आदरणीय रुपेश नेगी जी, जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है भावानगर में, और हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय अजय नेगी जी, जो सुंगरा पंचायत के प्रधान है और प्रोग्रेसिव बागवान भी है। और हमारे साथ जुड़ने वाले थे हमारे आदरणीय
रतन महल जी जगहों से लेकिन सिग्नल की दिक्कत से नहीं जुड़ पाए, तो ध्यान पूर्वक आज का एपिसोड देखिए, क्योंकि पूरे साल आपको मेहनत करना है, पूरे साल आपने अपने बागवानी को चमकाना है, और पूरे साल आपने आपका जो मेहनत है वो दिसंबर या सितंबर महीने में निकलता है। तो इस पर आप शुरू से लेकर, क्योंकि पिंक बर्ड आ चुके हैं और आपको शेड्यूल तो पता होता है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक रहता है। तो चलिए हमारे अतिथि से मिलते हैं आज के दिन। रुपेश सर आपका स्वागत है मेज में जी। धन्यवाद जी। आपने सर्वप्रथम पुनः तो मैं समय निकाला, आपने आपने पुनः समय निकाला, बहुत बहुत आभार। आप बिजी शेड्यूल में होकर भी जो है हमारे किन्नौर के बागवानों के लिए समय निकालते हैं, और आपके लिए तहे दिल से आभार सर। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम तो मैं किन्नौर अब तक के पेज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, साथ ही में हरियाली और खुशहाली एपिसोड में बागवानी वार्ता के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए राम भगत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, आभार महोदय। हमारे साथ जुड़े हैं अजय जी, और उनको भी मंच पर लाते हैं। अजय सर आपका पुनः स्वागत हमारे किन्नौर अब तक पेज में। आपने बिजी शेड्यूल से भी जो है दरकिनार करते हमारे किन्नौर के लिए, किन्नौर की जनता के लिए समय निकाला है। और आपको भी धन्यवाद जो हमें आपने इनवाइट किया, और अपने एचडीओ साहब रुपेश नेगी जी का भी धन्यवाद जो इतना टाइम निकाल रहे हैं, और जी बाकी जो बहुत व्यूवर्स हैं हमारे उनका भी धन्यवाद जो इस चीज में जुड़े हुए हैं हमारे हरियाली और खुशहाली एपिसोड के लिए। जी। अजय अजय जी आप गाड़ी में भी हो, आपको जल्दी भी हो सकता है, कई बार सिग्नल की दिक्कत हो सकती है। अगर आपके कोई सवाल महत्वपूर्ण सवाल है तो आप पहले रखें, उसके बाद हम पूछते रहेंगे। हो सकता है आपको जाना भी हो, आपके किन किन तथ्यों पर और किन किन बातों पर, क्योंकि आप प्रोग्रेसिव आप बागवान हो, आप नर्सरी बना उगाते हो, आप काफी मेहनती और प्रगतिशील किसान हो, तो आप हमारे दर्शकों के समक्ष अपनी जो भी वक्तव्य रखना चाहते हैं, हमारे अतिथि से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल आपका पुनः स्वागत है अजय जी। तो मैं इतना ज्यादा पूछूंगा नहीं, बट एक ये था कि हमें किन्नौर में जितने भी हमारे फार्मर किसान भाई है, इतने बढ़ चढ़ के जो है खेती बाड़ी का काम किया जा रहा है, जैसे आजकल प्लांटेशन चली है, आपका एचडीपी प्रोजेक्ट चले है, यूएचडीपी प्रोजेक्ट चले हुए है, तो कर तो सब रहे हैं। प्रैक्टिसेस के बारे में अपने एचडीओ सर बता देंगे, और इसमें जो है ना हमें एकजुट होके हर ब्लॉक के पास जो है सीए स्टोर्स नजदीक में होने चाहिए, पहला मानना तो ये है मेरा, ताकि हम जो है अपने बागवानी में जो है 1 लाख रुपए का सेब बेच रहे तो इस समय हम लेबर कॉस्ट देते हैं तो कोई 60,000 रुपए तो उसी में खर्चा आ जाता है, उसमें हम अपने किसान भाई तो अर्न कर ही नहीं पा रहा है। और हम जितना मंडियां ज्यादा खुले, सीए स्टोर ज्यादा खुले, इसके मेरे इस बारे में थोड़ी चर्चा थी। जी आपको बताना चाहेंगे, सीए स्टोर के लिए नेगी साहब ने चयनित कर दिया है शायद पलंगी में, और इसके नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं। फिर भी अधिक जानकारी अगर एचडीओ साहब के पास है तो आप कहें सर। एचडीओ सर सर, इसमें जैसे आप अभी बता ही रहे थे कि गवर्नमेंट ने जैसे इस बार का जो बजट था, तो इसमें किन्नौर के लिए खास करके निचार ब्लॉक में जो एक कोल्ड स्टोर स्थापित होना है उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। बाकी ये गवर्नमेंट लेवल की बातें रहती है, इसमें आगे जब भी इसका मतलब बजट का प्रावधान किया गया है तो जरूर ये सीए स्टोर आने वाले वर्षों में जरूर यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन जरूर होगा सर। जी, तो चलिए अजय जी अन्य सवाल रखेंगे। फिलहाल यहाँ पब्लिक के द्वारा मैंने जो है, और हमारे रतन महेश जी ने मुझे कुछ नोट करने के लिए भेजा है, कुछ मेरे पास नोट्स थे उनके। उन्होंने कहा कि पिंक वर्ड जो स्टेज पर कौन कौन सी स्प्रे अनिवार्य है, और इसमें इस स्प्रे में जो है कई लोग जहर का उपयोग करते हैं, तो कौन सी जहर का उपयोग करना चाहिए, तो ये पहला सवाल सर। सर, मैं बागवानों को ये बताना चाहूंगा, जैसे कि पिंक बर्ड की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपका जो लोअर एलिवेशन है वहां पे तो मेरे ख्याल से अभी तो फ्लावरिंग कंप्लीट भी हो चुकी है, तो जगह जी तो सेटिंग हो अब चुका मुझे लगा सेटिंग भी जी हो गई है। तो बाकी जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी जहाँ पे पिंक बर्ड का स्टेज है, तो बागवान खास करके इस चीज का जरूर ध्यान रखे कि आपको पिंक बर्ड में किस कीटनाशक का स्प्रे करना है और क्यों करना है। तो खास करके पिंग बर्ड पे हम जो खास करके कीटनाशक का स्प्रे करते हैं वो एक हमारा थ्रिप्स करके एक कीड़ा होता है, उसके कंट्रोल के लिए किया जाता है। तो इस बार के वातावरण को देखते हुए
जैसे कि आपको मालूम है कि इस बार थोड़ा क्लाइमेट अच्छा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि पिछले बार काफी सूखा पड़ा था। तो ऐसे कंडीशनों में, ज्यादा गर्मी वाले कंडीशनों में, आपके थ्रिप्स की पॉपुलेशन के बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो प्रति पूल जैसे हम कहते हैं, अगर तो आप जैसे अपने बगीचों में विजिट करते रहे जब भी आपका पिंगबर्ड का स्टेज है, अगर आपको लगता है कि आपका पूल अच्छे से नहीं खिल पा रहा है या उसमें कोई कालापन आ रहा है, तो जरूर उसमें थ्रिप्स की प्रॉब्लम एक हो सकती है। तो थ्रिप्स को आपने कैसे देखना, कैसे आपको पता लगेगा कि आपके बगीचे में फूलों को थ्रिप्स के द्वारा नुकसान पहुंच रहा है? तो उसके लिए बागवान ऐसा है कि जब आपका ब्लूम स्टेज आता है एक पिंगबर्ड के बाद, उसके कुछ दिनों बाद आपका फूल खिलता है, तो बागवानों को ये है कि फूल को आपने एक प्लेन पेपर पे, सफेद कोई भी कागज है उसके ऊपर झाड़ना है, तो वो कीड़े आपके उस कागज के ऊपर क्लियरली दिखेंगे, बशर्त कि आप जब फूल में देखोगे तो आपको इतना जज नहीं होगा। सफेद कागज पे आप झाड़ोगे या कोई ग्लास में आपने पानी लिया उसमें झाड़ोगे, तो आपको थ्रिप्स कितने हैं, प्रति फूल कितने मतलब थ्रिप्स है, इसकी जानकारी लगेगी। अदरवाइज प्रति फूल दो या चार थ्रिप्स प्रति फूल है तो इससे आपको ज्यादा कॉमर्शियल लूज नुकसान नहीं होता है। अगर प्रति फूल आपका थ्रिप्स 10 से ऊपर चला जाता है, तो ये सोचिए कि आपके आने वाले टाइम में फ्लावर सेटिंग में आपको फल सेटिंग में है ना जी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके कंट्रोल के लिए आपको इनिशियल जब आपका पिंक बर्ड बनता है, तो उस स्टेज पे आपको खास करके फ्लावरिंग के टाइम पे, वैसे तो हम आपको मना करते कि किसी भी तरह का कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए, तो इनिशियल स्टेज पे जब पिंक बर्ड बन रहा है तो आप प्रिकॉशनरी तौर पे आप प्लांटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो और कई बागवान ये भी देखा गया है कि जैसा आप एचएमओ का स्प्रे करते हैं तो एचएमओ के साथ भी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो वो स्थिति भी आपका जब आधा इंच और टाइट क्लस्टर स्टेज है, उस स्टेज पे आप कोई कीटनाशक एचएमओ या टीएसओ के साथ प्रयोग करना चाहते हैं तो उस वक्त आप कर सकते हैं इन कीटों के प्रबंधन के लिए। जी महोदय जी, चगांव का एक एरिया है जनकपुरी एरिया, वहां पर लोगों ने जो है तकरीबन जो है कलम कलम जो है कलम किया है, तो वहाँ एक स्पेशल कीड़ा है, काला ब्लैक काला टाइप का बड़ा कीड़ा है, वो पूरा चट कर रहा है, तो वो किसी प्रकार की दवाई से रोकथाम नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा शिकायत आई है, और जब इसमें भी आपने स्प्रे ठीक कहा, करते हैं वो उड़ जाता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। वो एक आपका ये कह सकते हैं कि एक बिट्टल है, एक बिट्टल कीड़ा है जो आपका खास करके उन एरियाज में ज्यादा आएगा जहां पे आपका ड्राई एरिया है। होता है हमारे बगीचों के लोकेशंस होते हैं, कई एरिया होता है कि जहां पे आपका सुबह से शाम तक धूप पड़ती है, ड्राई एरिया है, तो उन एरियाज में ये बिट्टल्स पाए जाते हैं। तो ये इनिशियली स्टेज में आपका, इवन जो आपका बड़ बन रहा होगा, इनिशियल बड़ फटने भी लग रहा है आपका, तो उस स्टेज पे ये कीड़ा आपके बड़ को खा जाता है, जिसके वजह से आपके नई पत्तियां या अगर फ्लावर बड़ है तो आपके उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं। तो इस कीड़े के प्रबंधन के लिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे एचएमओ टीएसओ है, उसके साथ भी आप इनिशियल स्टेज पे कर सकते हैं। उससे पहले भी आपने कोई कीटनाशक का प्रयोग करना है तो एक ये क्लोर पायरीफॉस करके केमिकल आता है आपका, डरमेट के नाम से, ट्राइसेल के नाम से, मासबान के नाम से, तो इस केमिकल को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आपका ये कीड़ा ऐसा है कि पत्तों को खा जाता है, फूल के पार्ट्स को खा जाता है, तो इससे बागवानों को काफी नुकसान होता है। तो आपको इनिशियल स्टेज पे जिन बगीचों में इस कीट का प्रॉब्लम है, तो वहां आपको समय रहते हुए कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। जी इसी विषय पर एक समझना है सर, अगर हमने वहां पर जो सूखा एरिया अगर छिड़काव करना है दवाई का, ये शाम को करें, क्या वो कीड़ा रात को पेड़ों में रहता होगा या फिर बाहर, क्योंकि जब भी स्प्रे करते हैं वो रहता नहीं है, वो दूसरे दिन मिलता है, वो पूरा चाटा हुआ होता है वो। ये आपके मॉर्निंग आवर्स में करो, आप चाहे इवनिंग आवर्स में करो, आपको जो भी स्प्रे करना है इनिशियल स्टेज पे, तो चलो आप डे टाइम में भी कर सकते हैं जब आपका टेम्परेचर ठीक है। अब जैसे आप धीरे धीरे आगे मतलब आने वाले टाइम में, जैसे आप अप्रैल ऑनवर्ड्स, आपको पता है कि दिन का टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है, तो इन कंडीशनों में आपको जो स्प्रे करना है मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में करना है जी, आपको सुबह या शाम के टाइम अच्छा सर, में। आपके पास कोई बागवानी संबंधित कोई चर्चा है वो जो रखना चाहते हो, अपना एक्सपीरियंस अनुभव, क्योंकि आपको हर चीज का पता है, फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती हो। एक्सपीरियंस तो चलो करके ही मिलता है, बाकी एचडीओ सर तो बैठे ही है। आज के टाइम में मेन ऐसा है कि प्लांटेशंस बहुत ज्यादा हो रही है,
और काफी ज्यादा इशू आ रहा है जहाँ हम जैसे रिप्लांटेशन करते हैं, रिप्लांटेशन करते हैं तो पौधा जैसे 1 साल तो टिक जाता है, दूसरे साल वो उठता नहीं, फिर फेलियर रेशो ज्यादा आ रहे हैं। रिप्लांटेशन की बहुत ज्यादा ही दिक्कत है हमारे यहाँ पे, क्योंकि पुराने बगीचे हमारे या फिर रूट रॉट या रूट बोरर कुछ इस टाइप की जो भी बीमारियों से ये के वजह से बगीचे खत्म हो गए हमारे। तो अभी भी वैसे भी रूट स्टॉक तो ऑप्शन है, बट रूट स्टॉक के लिए हमारे पास इतनी लैंड है इस तरीके से नहीं है कि हम उसको रूट स्टॉक मेंटेन कर पाए। तो HDO सर से यही जानना चाहता हूँ कि जैसे हम रिप्लांटेशन के इसमें आ रहे हैं, और जैसे हमारे इस समय पेस्ट 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 भी होते हैं, डबल दो पेस्ट होते हैं, मित्र कीट तो हमारे वो इस समय खत्म ही होते जा रहे हैं, और जो जो हार्मफुल कीट है वो बढ़ते जा रहे हैं। केमिकल्स उसमें इतना केमिकलों में इतना ज्यादा ये हो गया है कि क्या बोलते हैं, क्वालिटी या फिर क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, या फिर वो कीट हमारे इतने ये हो गए कि वो केमिकल से भी नहीं रुक पा रहे हैं, मर नहीं रहे हैं। जी एडियो साहब, फेलियर का कारण जो रीप्लांटेशन करते हैं तो कई जगह फेलियर हो रहे हैं, ये दिक्कतें कई बागवानों को अभी भी सामना करना पड़ रहा है, तो क्या ये कारण हो सकता है, या फिर सनी एरिया, या फिर आपका मिट्टी का दिक्कत? आपका स्वागत है पुनः। इसमें मेरे जैसे आपका चाहे प्लांटेशन न्यू प्लांटेशन है, आप नया बगीचे लगा रहे हैं, या आपका रीप्लांटेशन की बात है, तो मेजर प्रॉब्लम बागवान अक्सर करते क्या है, कोई भी चीज प्लांटेशन करते हैं वो जल्दबाजी में बिना सोचे समझे। इनिशियली आपको सबसे पहले अपने, चाहे नया प्लांटेशन की बात है चाहे रीप्लांटेशन की बात है, तो आपका सबसे पहले आपको सॉइल टेस्टिंग करना जरूरी है। सॉइल की टेस्टिंग कीजिए, है ना। तो न्यू प्लांटेशन में चलो प्लांट्स फिर भी सर्वाइव हो जाते हैं, जैसे कि अजय जी का कहना है कि रीप्लांटेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो रीप्लांटेशन में अक्सर होता क्या कि ऑलरेडी उस बगीचे में आपका पहले कोई ना कोई प्लांटेशन रहा होता है, जिसके वजह से उस एरिया में, उस मिट्टी में आपके काफी तरह के जीवाणु कीटाणु होते हैं। तो बागवानों से मेरा यही अनुरोध रहता है कि आप जब भी रीप्लांटेशन करें, तो एक तो आपको रीप्लांटेशन में, जैसे रूट स्टॉक की बात हो रही थी, तो आपके जो रीप्लांटेशन करना है तो उसमें खास करके अगर आप रूट स्टॉक पे करना चाहते हैं, तो आपका एक रूट स्टॉक है M793, आप उसमें जाइए। सेकेंडली, अभी आपके जिनेवा सीरीज है, उन सीरीज के रूट स्टॉक का प्रयोग करें। और इन रूट स्टॉकों को प्रयोग करने के अलावा आपको उस बगीचे में जहां भी आप गड्ढे खोद रहे हैं, तो गड़े खोदना है अपने प्रॉपर तरीके से, 3x3 साइज का तो मिनिमम आपको खोदना ही है। उस गड़े की आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी है, फंजीसाइड से भी करनी है आपको, कीटनाशक से भी करनी है, और इवन सॉइल को स्टरलाइजेशन भी करना है। तो सॉइल स्टरलाइजेशन के लिए भी आपका केमिकल के द्वारा भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप जब भी आपने प्लांटेशन करना है, तो गड़े जो आपने खोदने हैं उनको थोड़े से आप 3-4 महीने एडवांस में खोद के रखिए, क्योंकि एक एडवांस में खोदने का, गड़े खोदने का ये फायदा रहता है कि आपका जो धूप के द्वारा भी, एक सोलर सोलराइजेशन, धूप के द्वारा भी जब आपकी मिट्टी तपती है तो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो आपके नए पौधे को पनपने में परेशानी क्रिएट करते हैं, तो उन उन उनको मतलब सॉइल के द्वारा भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप केमिकल मेथड के द्वारा भी, इसमें आपके पास फॉर्मलिन करके एक केमिकल रहता है, जिसका आपने जो रेशो यूज करना है 9:1 के रेशो में या 7:1 के रेशो में, ये आपको मतलब 1 लीटर फॉर्मलिन और 7 लीटर पानी, तो इस रेशो से आपको उस गड़े की प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी है। आप पूरी मिट्टी को, आप उसके बाद आपने प्लास्टिक से ढक के रखना है। तो ये जो प्रोसेस है आपका, जो फॉर्मलिन का ट्रीटमेंट है, ये लगभग 21 दिन का एक ट्रीटमेंट लेता है, जिससे कि आप अपने जमीन को डिजीज फ्री करते हैं, चाहे उसमें फंगस का है, चाहे आपको कीड़ों का है, या उसके एग्ज है, उनको सबको डैमेज करने के लिए। सेकेंडली, आप H2O2 एक केमिकल है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं सॉइल ट्रीटमेंट के लिए। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, और जब भी आप प्लांटेशन करोगे तो इवन आपको अपने प्लांट्स को भी प्रॉपरली ट्रीट करके डालना है। आज क्या हो रहा है, बागवान ज्यादातर अनरजिस्टर्ड नर्सरियां, उन अनरजिस्टर्ड नर्सरियों से प्लांट्स लाते हैं, कोई भी डिजीज आपके एरिया में पहले नहीं पाया जाता है। आज ये जो नए तरीके के डिजीज आपके एरिया में जो पनप रहा है, खास करके किन्नौर के एरिया में,
तो इसमें मेन कारण है कि जो हम प्लांट मटेरियल कहीं से भी ले आते हैं, उसको ले आने के बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जिसके वजह से आज आपके जमीन में, खास करके ये देखो गुलियापीड का, रूट रॉट का, ये सारे जो फंगल डिजीज या चाहे कीड़ों के समस्याएं हैं, ये बागवानों को इसके वजह से हुआ है। हमने बिना सोचे समझे बगीचों का बगीचे बनाए हमने। तो इसलिए जब भी आपने करना है तो नए प्लांट्स, आज भी मैं बागवानों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप जब भी कहीं से भी आप प्लांट मटेरियल लाए, उसके आप प्लांट्स को रूट्स की ट्रीटमेंट जरूर करें, गड़ों की ट्रीटमेंट जरूर करें, और जड़ों को आप एडिशनल कोई न्यूट्रिशन ड्रिप करके करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो इन्हीं इन्हीं के द्वारा हम अपने बगीचों को अच्छे से पनपने में सहायता कर सकते हैं जी। जी हरियाली और खुशहाली एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं रुपेश जी, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भावनगर से। बागवानी संबंधित कोई भी चर्चा हो, कोई भी विषय आपने पूछना चाहते हैं तो हमारे अतिथि से पूछ सकते हैं, तो उन्हें आपके समक्ष सर। दूसरा सवाल है कि अच्छी फ्रूट सेटिंग के लिए और कितने पॉलिनाइजर की आवश्यकता होती है, अच्छी फ्रूट सेटिंग के लिए, और पॉलिनाइजर के लिए क्या क्या हमको नियम अपनाना चाहिए, घरेलू नियम भी हो सकते हैं सर। खास करके देखो जी, फल पौधों की सेटिंग के लिए पॉलिनाइजर वैरायटी और आपका परागण क्रिया करने वाले दोनों का बहुत ज्यादा महत्व है, अच्छे मतलब गुणवत्ता के फल तैयार करने के लिए, चाहे क्वालिटी की बात करें चाहे क्वांटिटी की बात करें। तो आज बागवान क्या है, खास करके ये देखा गया कि बागवान मेन वैरायटियों के पीछे भागते हैं, पर बगीचे में पॉलिनाइजर वैरायटियां वो उनका चयन नहीं करते हैं। तो आज के डेट में जो भी नए प्लांटेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट 25% आपके उसमें पॉलिनाइजर वैरायटी होने चाहिए। कोई भी बागवान अगर 100 पौधे का प्लांटेशन कर रहा है तो 25 25 मिनिमम उनको 25 पौधे उनको पॉलिनाइजर वैरायटी के प्लांट जरूर लगाने चाहिए, और इससे ज्यादा आप पॉलिनाइजर वैरायटी का जाना है तो 33% पॉलिनाइजर वैरायटियों का चयन भी आप कर सकते हैं। मिनिमम आप 25, हाईएस्ट आप 33% पे भी आप पॉलिनाइजर वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। अक्सर ये देखा गया कि इस बार कई, मैं आपको बताता हूँ कि कई बागवानों ने जो मुझसे अपनी बात शेयर करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बगीचे में फ्लावरिंग बहुत अच्छी है, मौसम भी बहुत अच्छा था, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी। तो मैं फिर अभी जब उनका फल सेट होने की बात आ रही है तो उनका यही कहना है कि जहाँ पे तो पॉलिनाइजर वैरायटी है वहां तो अच्छी सेटिंग है, और जहाँ पॉलिनाइजर वैरायटी नहीं है, विद इन बगीचे के अंदर की बात कर रहा हूँ, कि जिस एरिया में उनके पास कोई पॉलिनाइजर वैरायटी नहीं थी या कोई पॉलिनाइजर वैरायटी अवेलेबल है भी और उसमें इस बार फ्लावरिंग नहीं हुई, मतलब तो उसके वजह से उनको फ्रूट सेट में काफी प्रॉब्लम आया हुआ है। तो इसलिए भगवान से यही अनुरोध है कि नए बगीचे आप जब भी लगाए तो पॉलिनाइजर वेराइटियों का जरूर ध्यान रखें, और साथ ही में अच्छी फूड सेटिंग के लिए आपको मधुमक्खियों को के बक्से का रखना भी जरूरी है। तो ये जो हम रिकमेंड करते हैं आपको मधुमक्खियों का, जैसे प्रति हेक्टेयर 12.5-1 बीघा के लिए हम 2 या 3 मधुमक्खी के बक्से काफी होते हैं। और रही बात कि जब भी कई बागवानों को ये डाउट रहता है कि मधुमक्खियों के बक्से बगीचे में किस एरिया में रखना है, सपोज किसी का भी बगीचा है तो उन बगीचे के किस कोने में रखना है, सबसे निचले वाले खेत में रखना है, उपले खेत में रखना है, कुछ नहीं, आपने बक्सों की जो प्लेसमेंट करनी है वो आपने आपके मतलब ऐसी जगह पे प्लेस रखने हैं उन बक्सों को जहां पे मतलब आपके पहली धूप पड़ती होगी, सुबह की धूप पड़नी चाहिए, और उसका जो मुंह रहेगा आपका पहली धूप पड़ती है उस साइड को रखो। और सेकेंडली तो अगर सपोज उन्हें 3 बक्से रखा है तो 3 बक्से, ऐसा नहीं कि आपने एक बगीचा सबसे निचले खेत में रखा, कोई बीच में रखा, तीसरा आपने टॉप पे रखा, तीनों बक्सों आपने एक ही जगह पे रखना है, सिर्फ उन बक्सों के बीच में जो आपका स्पेस रहेगा वो आपका लगभग 1 मीटर का होना चाहिए, 1 मीटर की दूरी पे तीनों बक्सों को आपने एक ही स्थान पर रखना है। तो इन चीजों को आप मतलब भगवान ध्यान देंगे तो ज्यादा मतलब ये मैं ये मानता हूं कि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में इजाफा होगा। जी जी बहुत खूब सर। सर पाउडरी जो मिल्ड्यू क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू को क्या है, इसमें इसे कैसे रोका जाए, पाउडरी मिल्ड्यू कुछ ऐसा बीमारी है कोई?
पाउडर क्यों आपका ये कि फफून फफून नाशक बीमारी है ये। हमारे साथ जुड़े हैं एचडीओ निचार आदरणीय रुपेश जी। और सिग्नल की दिक्कत है, अगर आपको भी कोई आ, आ, सवाल पूछने हमारे अतिथि से तो आप सवाल रख सकते हैं। बागवानी संबंध चर्चा आपके समक्ष रख रहे हैं, और जितने भी हमारे किन्नौर पेज से जुड़े उनसे निवेदन है कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कोशिश करते हैं कि आपके समक्ष जो हर गतिविधियों को लेकर आए, जैसे कि हमने कहा कि हम इस पेज के द्वारा किसी की भी छवि और किसी की भी जो पर्सनल लाइफ के पर हम कोई काम नहीं करते। जिस प्रकार से आज टिप्पणियाँ आई थी सोशल मीडिया के द्वारा, हमारी जो किन्नौर की संस्कृति और किन्नौर के जो हमारे रीति रिवाज है, परिधान है, अगर उस पर कोई मजाक करता है या फिर उस पर कोई टिप्पणियां करता है या सोच समझ कर या जानबूझकर काम करता है, तो उसे हम तलब करते जनता के बीच रखते हैं और हमारा कोई ऐसा मंशा नहीं रहता है। तो चलिए, हमारे अतिथि जुड़ी है, पुनः आपके समक्ष उनसे जानेंगे। सर सॉरी, शायद कुछ मेरे नेटवर्क जी प्रॉब्लम आ गई जी जी थी। जी रुपेश सर, हाँ ऑलरेडी मिल रही हूँ, क्या है इसके बारे में लोग जानना चाह रहे थे। जी आवाज आ रही है जी, मेरी? अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अगर आपको जल्दी है हेलो, तो हम। अजय जी, अच्छा, पाउडरी मिल्ड्यू की बात कर रहे थे आप, तो ये पाउडरी जी मिल्ड्यू जो है, आवाज आ रही है सर? रिपीट तो नहीं हो रही आवाज? जी जी आवाज आ रही है सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, जो पाउडरी मिल्ड्यू जो आपका अभी जो इनिशियल आपका फ्रूट सेटिंग के बाद जो नए पत्ते आते हैं उनके ऊपर एक पाउडर फॉर्म का एक पाउडर जैसा आता है आपका, जैसा किसी ने आटा फेंका है, तो इसके वजह से क्या रहता है कि आपका जो नया ग्रोथ होता है पौधे में, जो नए शूट्स ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ आपका रुक जाता है। ये एक जी फंगल बीमारी है। हाँ जी जी, सर, एक और तो एक सवाल है इसके कि कंट्रोल के लिए, बागवानों के लिए है। जी, हाँ जी सर, जी इसके रुपेश कंट्रोल सर के लिए कहिए जैसे सर। आपका अभी पेटल फॉल होता है, हाँ जी सर, उसके लिए आप जो है फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपका एक स्कोर करके फंजीसाइड आता है, 30 ml 200 लीटर पानी में आप इसका घोल बनाकर कर सकते हैं। दूसरा आपका थायोफिनेट मिथाइल करके केमिकल आता है, रोको के नाम से भी आता है, तो उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, बेबिस्टीन का भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो फंजीसाइड साइड है आपके, इसके द्वारा आप पाउडरी मिल्ड्यू का कंट्रोल कर सकते हैं सर। जी, चमन नेगी का एक आपको सवाल आया कि हाउ इज परफॉर्मेंस ऑफ ईपीओ इज इन निचार ब्लॉक। रुपेश सर, जो आपको ये मेरी आपका आवाज आ रही है फार्मर तो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक निचार, सर जी। ये आवाज कट कट के आ रही है सर, मतलब लगता है कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तो ये जो एपीओज है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक रजिस्टर्ड आपकी संस्था है जो निचार ब्लॉक में वर्तमान में कार्य कर रही है। तो ये एक हमारा जो हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इस एपीओ का मतलब गठन हुआ है, फंडिंग उस एजेंसी के द्वारा हुआ है इसमें। तो वर्तमान में इसका जो भी है, इसका ये आपका ये हमारे स्पेशल सेल है HPHDP शिमला से, इसकी मॉनिटरिंग ये करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस बढ़ा तो ये जो भी है सर। बाकी शायद लास्ट ईयर इनको जैसे ने ग्रेडिंग पैकिंग मशीन वगैरह लगा रखा था फार्मरों के सुविधा के लिए कि वो इनके पास आके पैकिंग करे, तो एज पर मैंडेट जो भी कार्य हो रहा है, इसके बारे में अभी मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा एफपीओस का क्या जी वर्क रहा है। लास्ट ईयर ये आपका जी चला था ये एफपीओ। सर, यहाँ पर लोग इसके बारे जानना में चाह रहे थे आपको जो ज्यादा पहले। ये जो एक्टिविटी जी रुपेश सर, पेटल फॉल के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि आवश्यक स्प्रे इस समय कौन कौन सी करनी है जब पेटल फॉल होता है।
कटल फाउल के बाद आपको इमीडिएटली, एक तो आपको फफूंदनाशक का स्प्रे करना है। मैं ज्यादा कीटनाशक का मैं तभी कहूंगा कि अगर आपके बगीचे में कोई कीट का प्रकोप रहता है तो उसको आप कैसे जान सकते हैं। तो उसके लिए यही है कि अगर क्लाइमेट गर्म रहता है तो हो सकता है कि एक कीड़ा आता है जो आपके तितलियां मोथ है उनके लार्वी होते हैं, जिसके वजह से इनिशियल स्टेज पे आपके पेटल फॉल का जो मटर दारा बनने लगता है तो सेब को कोई कीड़ा चाटता है बोलते हैं। तो उसके कंट्रोल के लिए अगर कोई बागवान लगता है कि उनके बगीचों में ये प्रकोप ज्यादा आएगा या आगे गर्मी ज्यादा रही है तो उसके लिए आप मेलाथियोन का स्प्रे कर सकते हैं। अदरवाइज आप पेटल फॉल पे फंजीसाइड्स जो भी है आपका कंटाप करके थायफिनेट मिथाइल माइक्रोबिटानिल ये कोई भी फंजीसाइड है इसका आपने इनमें से एक किसी का भी आपने स्प्रे जरूर करना है सर। सर तकरीबन अब जो पीजीआर को मान्यता मिल चुकी है, ऐसे में सवाल आ रहा है कि पीजीआर का स्प्रे कितनी बार करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए पीजीआर अगर करना है तो। सर मान्यता मिली है, चलो पीजीआर की बात हो रही है तो पीजीआर एक्चुअली बागवानों को ये देखना है कि मुझे पीजीआर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके फायदे हैं नुकसान है। सर्वप्रथम बागवान को इस बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो पीजीआर ऐसा है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये हम एडिशनली पीजीआर के तौर पे एडिशनली हम बाहर से दे रहे हैं। अदरवाइज पौधे के सिस्टम में जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो वैसे ही अवेलेबल होते हैं, बशर्ते कोई आपकी कोई ऐसे विपरीत स्थितियां रहती है। वो जैसे मैं बात कर रहा था कि आपके पॉलिनेटर वैरायटीयों में इस बार आपके बगीचे में फूल नहीं है, या आपकी के कंटिन्यूस बारिशें हो रही है, या बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, ड्राई एरिया ड्राई मौसम चल रहा है, विपरीत स्थितियों के कंडीशनों में अगर आप पीजीआर का यूज करना चाहते हैं तो, या जिन बगीचों में आपको लगता है कि फूड सेटिंग का प्रॉब्लम है या रस्टिंग का प्रॉब्लम है, या आप इससे होता क्या है बाकी, तो यही है कि थोड़ा रस्टिंग कंट्रोल है, कुछ सेटिंग में हेल्प करता है, और थर्डली आपका सेब में एलोंगेशन के लिए लोब बनाने के लिए। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल फार्मर के प्रेफरेंस पे कि उसे करना चाहिए नहीं करना है। जी तो इसके जो स्प्रेस ये तकरीबन आप वन टाइम भी कर सकते हैं, टू टाइम भी कर सकते हैं। हाँ जी सर, जी रुपेश तो सर इसमें मुकेश जैसे जी ग्रोमेलिन है, इसमें का जैसे यहाँ पर जी मुकेश जी का यहाँ पर एक कमेंट आया कि 1 ईयर और ऑफ ईयर को कैसे मैनेज करें सर। ये आपका ऑफ ईयर ऑन ईयर का जो आप कंसेप्ट जैसे चलो मुकेश जी ने पूछा है, तो इसमें रहता यही है, प्रॉब्लम क्या है, बागवान की ट्रेनिंग प्रूनिंग। अगर आप सही तरीके से ट्रेनिंग प्रूनिंग नहीं करेंगे, किसी साल आप मतलब एक्सेस क्रॉप या हैवी क्रॉप लोगे तो नेक्स्ट ईयर आपका वो पौधा आपके ऑफ ईयर में चला जाएगा। तो इसके कंट्रोल के लिए बेस्ट है आपका ट्रेनिंग का पार्ट अच्छे से करिए, ज्यादा ओवर क्रॉप ना ले आप, और खास करके पॉलिनाइजर वैरायटीज में एक साल काफी फूल आता है, फल भी काफी उसमें लगता है, नेक्स्ट ईयर उसमें फूल ही नहीं आता है, तो आप बोलते हैं पॉलिनाइजर में तो इस बार फूल ही नहीं है। तो इसको आप रेगुलेट कर सकते हैं, आप प्रॉपर ट्रेनिंग प्रूनिंग, इवन आप फ्लावर थिनिंग करना चाहे, रूट थिनिंग करना चाहे, तो इससे आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं सर। जी सर यहाँ पर और जानना चाहते हैं लोग कि बोरॉन और कैल्शियम का स्प्रे आवश्यक होता है तो, और ये कब करना चाहिए और कौन से मौसम में करना चाहिए और क्या इसका कोई साइज देखना है या फिर इसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब बोरॉन और कैल्शियम का हम अगर स्प्रे करते तो। बोरॉन कैल्शियम आपके ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये, तो इसके रिक्वायरमेंट पौधों को बहुत कम मात्रा में रहती है, पर एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है। खास करके बोरॉन आप पिंगबर्ड स्टेज पे भी यूज कर सकते हैं, तो पिंगबर्ड पे हम इसलिए करते थे, इससे आपके जो फ्लावर की जो है रिसेप्टिविटी बढ़ाता है, पोलिनेशन में हेल्प करता है, तो इसलिए हम बोरॉन को ज्यादा रिकमेंड करते हैं आपके पिंगबर्ड स्टेज पे। तो और बाकी रहता क्या है पिंगबर्ड, क्या बोलते हैं आपका, बोरॉन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आपने देखा होगा लास्ट ईयर कई बगीचों में ये कंप्लेंट्स था कि आपके सेब के ऊपर दाने दाने हैं, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आपके दाने दाने हैं जैसे, तो वो दाने आपके ये रहता है आपका जब ड्रॉट पीरियड रहता है आपका, सूखा है आपके जमीन में नमी नहीं है, उस कंडीशन में
पौधे जो पौधा है जमीन से आपका बोरन कैल्शियम अपटेक नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से उसके सिम्टम आपके फल पे आते हैं, जो लेंटिसेल ब्रेकडाउन बोलते हैं हम, तो उस कंडीशन में आपको जरूर कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे करना चाहिए। आप जैसे आपके फल सेटिंग हो गया, उसके बाद भी आप बीच में आप मटर दाना या उस पर भी आप बोरोन का स्प्रे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैल्शियम का स्प्रे आप हार्वेस्टिंग से पहले भी आपने जरूर करना है, क्योंकि कैल्शियम से आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है और सेब की जो शेल्फ लाइफ बढ़ता है उससे, है ना जी, उसके लिए आप कैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं सर, जी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए आप सर, कैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं। मटर दाने पे करें, हार्वेस्टिंग से 20-25 दिन पहले भी कर सकते हैं। जी सर, बागवानों बागवानी में फेलियर का एक और एक कारण भी देखने को मिलता है तकरीबन, जो बागवान जो वर्तमान में झेल रहा है वो है रूट रॉट। सर ये क्या है और इसके इसे कैसे रोका जाए, और रूट रॉट आने के लक्षण को कैसे पता लगे कि इसमें रूट रॉट आ गया है? रूट रॉट भी एक आपका ये फंगल बीमारी है, ये समझो कि आप ये एक तरह का पौधे के लिए कैंसर है। ये जिस पौधे में रूट रॉट की प्रॉब्लम होगी, वो पौधा आपको जैसा अभी जैसे आपके नए पत्ते आने शुरू हो रहे हैं, तो उसी टाइम आपको पौधे में आप जज कर सकते हैं कि पौधे में जड़ों में प्रॉब्लम है। जड़ों में प्रॉब्लम दो तरीके से हो सकता है आपका, एक या कीड़ों के बाद वजह से जो आपका रूट बोरर होता है, सेकेंडली आपका आपका रूट रॉट। तो रूट रॉट से जो ग्रसित पौधे होंगे वो आपके उन पौधों के लक्षण ये रहेंगे, अगर इस साल उसमें रूट रॉट हुआ है तो एक तो पत्ते छोटे आएंगे, सेकेंडली आपके उसके फल के साइज भी छोटा रहेगा, नया ग्रोथ आपका बिल्कुल कंप्लीट चेक हो जाएगा। आने वाले नेक्स्ट ईयर में ही समझो कि आप, हो सकता है कि कंप्लीटली पौधा सूख जाए, धीरे धीरे पौधा वीक हो जाता है और उसमें कैंकर पनपना शुरू हो जाता है, तो और पौधा इमिजिएटली मर जाता है। पौधे को ये जज ऐसे करना है कि आप अपने बगीचों में ये कि आप जज करिए कि मेरा पौधा कोई वीक है, तो जो भी पौधा वीक है उसको आप सर्दियों में जब भी आपके पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद आप उस पौधे की जड़ों को खाली करें, खाली करके देखिए किस वजह से इस पौधे में आपका ग्रोथ चेक हुआ है। हो सकता है या कीड़े के वजह से अगर उसने रिंग मारा है, सेकेंडली आपका रूट रॉट हो सकता है। तो रूट रॉट में यही है कि आपके जड़े आपके गलने सड़ने लग जाएगी, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम रिकमेंड करते हैं आपका बेरेस्टिन का गोल बना के लगाइए। आज के डेट में एक बायो एजेंट्स यूज किया जाता है जो एक तरह का बेनिफिशियल फंगस है, उसमें बेवेरिया वेसियाना करके उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। नहीं, बेवेरिया वेसियाना तो आप रूट रॉट के लिए यूज कर सकते। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के अतिथि, हमारे HDO भावानगर से आदरणीय रुपेश जी। तो बागवानी संबंधित चर्चा हरियाली और खुशहाली एपिसोड में आप जुड़े रहें, और जैसे हमारे अतिथि जुड़ते हैं तो हम आपके समक्ष रखेंगे। हमारा प्रयास रहता है कि आपके समक्ष कुछ सामाजिक और कुछ बागवानी कृषि संबंधित शिक्षा संबंधित चर्चाओं को आपके समक्ष रखें। और फिलहाल हमारा जो किन्नौर पेज में काफ़ी महीनों से जो है हम अब अपडेट में नहीं रहे, कारण ये था कि हम टूर्नामेंट में बिजी थे और टूर्नामेंट की गतिविधियों को दिखा रहे थे। उन्हें हमारे साथ अतिथि जुड़े हैं। जी पुनः स्वागत सर आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद सर। जी तो इसमें मैं जैसा बता रहा जी था जी आपका, आप बायोजर्स जैसे है, ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास ये है, अगर आप केमिकल कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसमें एवरेस्टीन है, एलीट करके है, ये मतलब जो फंजीसाइडों का आपको प्रॉपर ड्रेंचिंग करना पड़ेगा इनिशियली, जब आपका विंटर्स में जैसे मैंने बताया कि आपको जड़े खाली करके रखना है पूरे सर्दी आपको, और जैसे ही नया ग्रोथ चलता है उस टाइम आपने इन दवाइयों से इनको ड्रेंच करना है। ये ड्रेंचिंग आपने फिर आगे बरसातों से पहले भी आपको उन पौधों को ड्रेंच जरूर करना है सर। महोदय जी, यहाँ पर अल्टरनेरिया और मार्सोनिना कुछ ऐसा बीमारी है, इसकी रोकथाम के बारे में कौन सी स्प्रे और कब करनी चाहिए? सर ये मार्सोरिना जो है, मार्सिनोना के बेस से आपके जो प्री मेच्योर लीफ फॉल बोलते हैं ना हम, असमानित पतझड़ बोलते हैं पहले ही,
वक्त से पहले जो पत्ते झड़ते आपके पीले होके, ये बीमारी आज के वक्त में मतलब बहुत ज्यादा बागवानों को इसके द्वारा नुकसान होता है। समय से पहले अगर पत्ते झड़ जाएंगे तो आपका कलर का प्रॉब्लम आता है, आपका सेब में साइज बनने का प्रॉब्लम आता है। तो ये बीमारी खास करके उन एरिया में ज्यादा पनपता है जहाँ पे आपका मॉइस्चर ज्यादा होता है या बारिशें ज्यादा होती है जिन एरियाज में। तो इसके कंट्रोल के लिए जैसे विभाग के द्वारा जो स्प्रे शेड्यूल, जो कि आज की डेट में आप ऑनलाइन, हमारे ऑनलाइन भी देख सकते हैं आप स्प्रे शेड्यूल, या विभाग से जो हमारा स्प्रे शेड्यूल डिजाइन हुआ है उसके हिसाब से आप स्प्रे करोगे इनिशियल स्टेज से लेके एंड तक, तो इस बीमारी का आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही मैं बागवानों को यही कहना चाहूंगा कि जहाँ पे बारिशें ज्यादा होती है, या आप सपोज आपने आज स्प्रे किया और शाम के टाइम ही बारिश हुई, तो इसके लिए जो हम फंजिसाइड वाले आपको बताते कि इसका स्प्रे करना है, तो आपने अच्छे से करना है। जब भी स्प्रे करे तो एटलीस्ट आपका 12 घंटे तक तो बीच नहीं होनी चाहिए, तो उसका आपने जरूर ध्यान रखना है। और आगे जैसे आपका अखरोट दाना का स्टेज आता है, उसके बाद अगर लगातार बारिश होती है तो उस वक्त ये जो मार्सिनोना बीमारी है ये काफी बगीचों में पनपता है। तो उस स्टेज में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अगर लगातार बारिश हो रही है तो आपको अपना स्प्रे शेड्यूल में, जो भी हम स्टेज वाइज दवाइयों के बारे में बता रहे हैं, वो आपने 10 या 12 दिन के इंटरवल में जरूर करना है। अगर सूखा जैसा एरिया सूखा मौसम चलता है तो आपको अखरोट दाने के बाद के, जो स्प्रेस की बात कर रहा हूँ, तो आपने 20-21 दिन के बाद तो जरूरी करना है। और इनिशियल अखरोट दाने का जो हम स्प्रे बोलते हैं वो आपने, चाहे आपके पत्ते अच्छे दिख रहे हैं, प्रिकॉशनरी तौर पे आपके जो कंटेक्ट फंजीसाइड है आपका बेवेस्टीन का कॉम्बी प्रोडक्ट वो यूज कर सकते हैं, माइक्रोबिटानिल यूज कर सकते हैं, पॉलीबोन यूज कर सकते हैं। तो ये काफी फंजीसाइड है जिनको आप सही समय पर सही डोज में आप प्रयोग करोगे तो इन बीमारियों के ऊपर आप सही ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। सर, स्कैब के बारे में तकरीबन लोगों को चिंता रहता है कि स्कैब जो है आने से जो है खतरा रहता है कि स्कैब के बारे में, तो आप बताना चाहेंगे कि ये कौन से महीने में और क्या शुरुआती दौर पे स्कैब का स्क्रेप जरूरी है कि स्कैब आने से पहले स्कैब के समय करना पड़ेगा स्प्रे? नहीं, स्कैब के केस में आपको एक्चुअली जो हमारा जो स्प्रे शेड्यूल डिजाइन हुआ है, स्कैब बीमारी को लेकर डिजाइन हुआ है, तो इसमें आपका जो जिन बगीचों में अगर स्कैब का प्रॉब्लम रहता है, खास करके जो आपके निचार के एरियाज है, निचार ब्लॉक में आपका निचार कंडे, आपका सुमरा का कंडे, बरी का कुछ एरिया, तो जो हाइट्स में बगीचे हैं वहां पे स्कैब का ज्यादा प्रॉब्लम है। अक्सर ये पाया गया है कि खास करके जो स्कैब के स्पोर्स है, जो आपके नेग्लेक्टेड बगीचेज है, उन बगीचों में मतलब ये परेशानी हर साल आपको मतलब आती रहती है। तो खास करके भगवान क्या है कि जब आपका सेब तुड़ान के बाद आपके जो भी पत्ते हैं, उन पत्तों को लोग इकट्ठा करके उसको दबाना है, आपको इकट्ठा करके दबाना है, या आपने पेड़ में आपका सपोज मान लिया कि इस बार स्कैब आया था, तो आपको एक यूरिया का स्प्रे करना हैवी डोज में, वो आपका 5 किलो से लेके आप 10 किलो प्रति ड्रम के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे, तो वो पत्ते जड़ेंगे, तो वो डिकम्पोज होंगे। वो इसलिए करना है ताकि जो गिरे हुए पत्ते हैं उनसे नेक्स्ट ईयर सेकेंडरी इन्फेक्शन सबसे पहले फैलने के चांसेस रहते हैं। मेरा कहने का मतलब जी ये है कि कोई भी बीमारी को फैलने के लिए क्या चाहिए, एक तो आपको ये टेम्परेचर का खेल रहता है, दूसरा आपका ह्यूमिडिटी आर्द्रता का, और तीसरा आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर तो जिन बगीचों में स्कैब का प्रॉब्लम है तो वहां उन्हें विंटर्स में तो जो मैंने आपको बताया कि यूरिया का स्प्रे करना है, करना है। और जैसे ही आपका फरवरी मार्च के बाद इनिशियल आपका ग्रीन टिप स्टेज आता है, तो उस स्टेज पे आपको कैप्टान या डोडीन इसका स्प्रे आपने जरूर करना है। इनिशियली जब पत्ते आने लग रहे हैं वो आपको करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जो फंजीसाइड, इसके कंट्रोल के लिए आप करते हैं मटर दाने पे, अखरोट दाने पे, अखरोट दाने के 20 दिन बाद, अगर आपका आगे बारिशें ज्यादा हो रही तो हर 10 या 12 दिन या 15 दिन के इंटरवल में के आपको अलग अलग जो भी फंजीसाइड है उनका चयन करना है और उनके स्प्रे आपको समय पे करना है, तभी आप अपने बगीचों को स्कैब के प्रकोप से बचा सकते हैं। जी, बहुत बेहतरीन जानकारी। अजय सर, आपको मेरी आवाज आ रही है?
आ रही है आवाज। आपके आपके समक्ष कोई सरकारी योजनाएं हो बागवानों के लिए, या फिर कोई ऐसा कोई सवाल हो हमारे अतिथि से तो जरूर रखें। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट चला है सर, HDPE वाला, इसके बारे में थोड़ा सा देखो, HDPE जो हमारा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, है ना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है। इसके तहत हमने आपके निचार ब्लॉक में एक आपका सुंगरा और बारो और एक हमने चौरा में तीन क्लस्टर बनाए थे। इसमें क्लस्टर बेस हमें वर्क करना था ताकि इस प्रोजेक्ट का जो भी एक्टिविटी हम करें विभाग के द्वारा, तो इसका एक आउटपुट आए। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मतलब हमें थोड़े बागवानों का सपोर्ट इस प्रोजेक्ट में इतना उस तरह से नहीं मिला। तो बाकी इस प्रोजेक्ट के तहत हमने जो भी इस क्लस्टर के बागवान हैं उन्हें हमने विभाग के द्वारा रूटस्टॉक के पौधे अवेलेबल कराया है। वक्त वक्त पे जब भी कोई ट्रेनिंग का पार्ट रहता है तो वो भी हमने इस प्रोजेक्ट के तहत उन क्लस्टर्स में हमने ट्रेनिंगों का आयोजन किया था। तो यही रहा बाकी, तो कि यहाँ के बागवान इस प्रोजेक्ट का इतना फायदा उठा नहीं पाए। ये जी वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक फंडेड प्रोजेक्ट था 1134 करोड़ का, जिसमें से आपका 1100 करोड़ खाली प्लांटेशन और ट्रेनिंग परों का पार्ट में था, 350 करोड़ आपका इरिगेशन था। इरिगेशन का पार्ट जो था उसमें अभी 12 में हमारा इस प्रोजेक्ट है, आपका जो हमने वाटर यूजर एसोसिएशन गठित किया था उसके तहत अभी वहाँ पे ये जो आपके टैंक से या पानी लाने का जो काम है वो अभी इन प्रोग्रेस है। बाकी आने वाले वक्त पे देखते हैं इसमें कितना काम होता है, कैसे कैसे होता है। जी धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिया। थोड़ा सिग्नल की भी इश्यू आ रही, नहीं तो सवाल और बहुत थे, लेकिन आपको बीच में फिर कभी लेंगे, क्योंकि सेब बागवानी तो खत्म होने वाली नहीं है, तो चलता है, निरंतर चलता रहेगा। अजय सर, कोई अंतिम सवाल आपके पास है तो जरूर रखें। ये अपना जो भी हमारे सवाल तो नहीं है, एक ये अपना एक सुझाव है मेरा, जो हमारे जितने भी किसान भाई है निचार ब्लॉक में, इसके लिए एक जैसे FPO बने हुए हैं, तो FPO को थोड़ा एक्टिव हो गए इसमें, जैसे मार्केट, जैसे हमारा किराया है गाड़ियों का किराया हर पंचायत वाइज या विलेज वाइज जो है इसमें काम होना चाहिए, और एक कमेटी बननी चाहिए विलेज वाइज की, उस एरिया में पर मीटर के हिसाब से कैरिज डिसाइड किया जाए, और गाड़ियों का कैरिज भी उसमें एक कॉम्पैक्ट तरीके, क्योंकि ऐसा होता है जैसे हमारे पास लोकल गाड़ी वाले भी है तो वो भी आते हैं, और फिर बाद में जो है बाहर से भी लोग आते हैं, तो इनके जो प्रॉपर तरीके से कमेटी बना के जो है इसमें इसको एक ये रूल में लाई जाएगी, बार बार इसमें हमारे परेशानी ना हो। जैसे अब आप मनमाने रेट है, 100 लेबर होते हैं तो 300 बागवान है, तो मनमाने ही रेट चलते हैं। FPO से मेरा ये है, बाकी डॉक्टर साहब के थ्रू भी एक मैसेज देना चाहता हूँ FPO वालों को कि इसमें थोड़ा गंभीर विषय से सोचा जाए इसमें। बहुत बहुत आभार सर। इसलिए अंतिम ये जो जाते आपके जाते FPO की बात रुपेश है कि सर, आप फार्मर कुछ का कहना चाहेंगे? द्वारा, हाँ जी सर, सर अंतिम जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे बागवानों से, किसानों से? इसमें बस यही है, आप अच्छे से लगन से अपने बगीचों की देखरेख करें, समय पे स्प्रे करें, आप क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दें कि क्वांटिटी के बजाय। तो इन चीजों को आप अपने ध्यान में रखेंगे, मद्देनजर रखेंगे, तो आप अपने बगीचों में क्वालिटी फ्रूट की तरफ जाए और मार्केट को आप कंपीट करें। तो मेरी तो यही मतलब मेरे तरफ से ये शब्द रहेंगे सभी बागवानों के लिए। जी बहुत खूब, बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने समय निकाला सर। नमस्कार, शुभ रात्रि आप दोनों को। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जी सभी को धन्यवाद दी, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे HDO हमारे रुपेश जी, और जिन्होंने बागवानी संबंधित और किस प्रकार से जो है अपने बगीचे का ख्याल रखना है
और विषयों को लेकर आज ये चर्चा था, और हमारे साथ जुड़े थे सुझाव के लिए हमारे सुंगरा पंचायत से आदरणीय श्री अजय नेगी जी और प्रोग्रेसिव बागवान। तो इन्होंने भी एप पीओ से जो है गुजारिश की है कि एक नियमित जो है नियम बनाया जाए जिससे बागवानों के लिए और मजदूरों के लिए या सबके लिए फायदेमंद हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि किन्नौर पेज के द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष पर किन्नौर पेज कोई टिप्पणी नहीं करता है। किन्नौर पेज हमारी संस्कृति, हमारे जो परिधान है, हमारे लोकगीत है, हमारे जो प्रकृति पर्यावरण सब पर जो है काम करता है। और सबसे पहले कार्रवाई अगर हम आवाज उठाने से पहले पहले आप लोगों के समक्ष तथ्यों को लेकर आते हैं, आपके समक्ष रखते हैं, आपके बीच चर्चा रखते हैं, चाहे वो नशा से संबंधित हो। हमने बीते हफ्ते किन्नौर में तंबोला पर भी काफी प्रचार किया कि ये गलत गेम है और ये जो है आदि बनाने वाला गेम है, इसमें स्कैमिंग है और इसमें लूट खसूरी है, इससे जो है हमारे युवा पीढ़ी को हानि हो रहा है और हमारा मकसद है आप तक जानकारी पहुंचाना। उसके बाद हम आपके समक्ष जो है किन्नौरी परिधान को लेकर बीच में हम चर्चा हुई कि किन्नौरी परिधान के साथ इस प्रकार का जो है हुआ है जो है किन्नौरी परिधान के साथ जो है इस प्रकार का छेड़छाड़ हुआ है। इसके बाद अभी हमारे नेगी जो शब्द है किन्नौर के अंदर में जो नेगी शब्द पर टिप्पणी की है, इस पर हमने आवाज आप तक रखी है। क्या यह सही है, क्या यह गलत है, क्या लड़की ने सही बोला है या लड़की ने किस मंशा से बनाया है। और ये बताना चाहता हूँ कि हमने FIR नहीं की है किसी भी लड़की पर, हमने जो है सिर्फ तलब के लिए वो सामने आए और जो ऑडियो है उसको भी हम सामने लाए, इस पर हमने प्रतिक्रिया किया। अभी भी आगे भी हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पूर्वजों की देन है, उसको बनाए रखने के लिए हर आदमी को आगे आना चाहिए, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे बहन है, चाहे हमारे रिश्ते नाते हो। हमारी पूर्वजों की देन को बनाए रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसलिए कोई ऐसी गलतियां ना करे जिससे हमारे समाज को, हमारे कौम को, हमारे किन्नौर को और हमारे हिमाचल को जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़े। फिलहाल जो नेगी टिप्पणियां आई है उस पर हिमाचल से बाहर रहने वाले और हिमाचल के जितने भी शिक्षा संस्थानों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर दबाव आ रहा है, लोग मजाक में ले रहे हैं, लोग सीरियसली टिप्पणियां कर रहे हैं नेगी डैश डैश। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ अगर ये आवाज हमारी वहाँ शिवाली बहन तक जाती है, अगर हमारे पेज के द्वारा लाइव आकर टिप्पणियां करती है कि ये हमारी किसी प्रकार का मंशा नहीं था, हमारा कोई किसी प्रकार का कोई नेगी जो टाइटल को ऐसे संस्कृति के खिलाफ नहीं था, हमने मैसेज देना था उस प्रकार से बनाया, तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो चलिए फिलहाल फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय किन्नौर।